गुड इवनिंग जी। उसी में बेटा हम आज बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। और जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो कुछ एसिड की बात होगी, बेस की बात होगी। और इस पे हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे थे। तो पहली थ्योरी, एक क्विक रिविजन, पहली थ्योरी जो हमने इसमें पढ़ी थी वो थी आरहेनियस, है ना, आरहेनियस थ्योरी। सबको याद होगा क्या कहती थी आरहेनियस थ्योरी। आरहेनियस थ्योरी कहती थी कि एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, एच प्लस देते थे एक्वस, ठीक है। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एसिड विच गिव्स एच प्लस आयन, हाँ एच प्लस आयन डोनर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो देते थे। और बेसिस जो आपके थे या बेस की आरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ये था कि ओ एच माइनस आयन डोनर जो था वो आपका बेस था, फाइन। तो एक थ्योरी हमने आरहेनियस थ्योरी पढ़ी। इसके बाद एक और थ्योरी हमने पढ़ी थी जिसे हमने कहा था ब्रॉन्स्टिड। तो ब्रॉन्स्टिड थ्योरी हमारी कहती थी कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन कैन यूज किया था, और बेसिस आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, ठीक है। तो फिर से अगर हम सिंपली यहां पे लिखें कि एसिड क्या थी, तो एसिड को हम यही कहेंगे एच प्लस आयन डोनर। बस यहां पे नाम क्या हो गया, एच प्लस को प्रोटॉन कह दिया गया, है वो प्रोटॉन, ठीक, बिल्कुल। और जब आप बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या कहा जाएगा, एच प्लस आयन एक्सेप्टर। तो यहां ओ एच के टर्म्स में बात ना करके आप किसके टर्म्स में बात करेंगे, एच प्लस के या प्रोटॉन के टर्म्स में, फाइन, ओके। इसका एक एग्जांपल देख ले, एच प्लस ओ एच माइनस वाले तो वो आपने 9-10 से देखे हुए हैं। इसका अगर हम देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा NH3 और H2O की रिएक्शन हुई, ठीक है, तो ये आपको NH4 प्लस एक्वस देगी और साथ में OH माइनस एक्वस। जरा समझना बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो ये H2O ने क्या किया, H प्लस दिया, हाँ जी, ये इसने लूज किया प्रोटॉन, डोनेट किया, बात समझ में आई। तो H2O मेरा एसिड हो गया, फाइन, और NH3 अमोनिया जो है इसने H+ को एक्सेप्ट किया। देखिए H+ को एक्सेप्ट करके इसने NH4+ बना दिया, तो ये मेरा बेस हो गया। ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, बस एक बार आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैं यहां पे ये चीज आपको करा रहा हूं। और थर्ड जो हम बात करते थे वो हमारी थी लिविस कॉन्सेप्ट या लिविस थ्योरी, ठीक है। लिविस के अकॉर्डिंग बात हुई थी लोन पेयर के टर्म्स में। तो एसिड के लिए कहा था जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये हमारे एसिड थे। और बेस के लिए कहा गया था लोन पेयर डोनेट जो करे या लोन पेयर डोनर जो है वो ही हमारा बेस है। अब यहां पे कई बार मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई लोन पेयर देगा कौन, जिसके पास होगा वही तो देगा, ठीक है। तो बस बेस को चेक करने का तरीका क्या था कि लोन पेयर चेक कर ले। तो भाई यहां पे देखो NH3 अमोनिया की जब आप बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको ये याद रखना, कहीं दिया नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि N के पास बच रहा भाई एक पेयर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं H2O तो यहां पर, ठीक है, तो ये आपके लिविस बेस हो जाएंगे। तो बस कहानी है कि आप किनके टर्म्स में उन्हें डील कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आपको यहां पे मैं दिखाऊं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा AlCl3 और इसके साथ मैंने क्लोराइड Cl-, ठीक है, Cl- में आप देखेंगे तो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट, फाइन। इसने क्या किया, इसने ये लोन पेयर, हाँ जी, यहां पे दिया। एल्युमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल,
वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये आपका बना AlCl4-। कुछ बात समझ में आई? अब जरा देखो, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं AlCl3 की, तो इसने क्या किया है, इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, और अगर इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया तो ये है आपका एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। समझ में आया? और Cl- की अगर मैं बात करूं तो Cl- ने क्या किया है, इसने लोन पेयर को डोनेट किया है, तो ये आपका हो गया बेस। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद आई होंगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा था, बिल्कुल इन्हें चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक बहुत सिंपल सा मैं आपको और कॉन्सेप्ट दूं। मान लीजिए मेरे पास एक AH कंपाउंड है, फाइन, आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, HA भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अच्छा, A और H जब इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, क्लियर है। अब यहां पे मान लीजिए A हमें नहीं पता कौन है, A हमें नहीं पता कौन है, अननोन है, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर A के पास चले जाएं, मैंने आपसे कहा H और A के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास चले गए, फाइन, तो क्या होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं HA, दैट गिव्स यू। अच्छा, A पे चार्ज कैसा आ जाएगा, A पे चार्ज माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, भाई एक इसका अपना था और एक H का था, ठीक है। अब जब ये खींच के लाया तो H वाले को लेके आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और अब अगर हम बात करें H की, तो H के पास इकलौता अपना इलेक्ट्रॉन था, वो भी छीन ले गया कोई, ठीक है, तो H के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब यहां पर मैंने आपको बताया था ये जो A माइनस है ये हमारा बन जाता है कंजुगेट बेस। अगर हमारे पास HA एक एसिड है तो इस एसिड का कंजुगेट बेस एक H प्लस हटा देते थे, खूब सारी प्रैक्टिस की थी इसकी हमने, फाइन। तो चलिए एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा HCl, तो इसका कंजुगेट बेस आपको बताना है, कंजुगेट बेस। तो आपने कहा सर इसमें तो बड़ा आसान है, एक एच हटा देते हैं, क्या बचा, सीएल माइनस, हाँ एच प्लस हटाना है, ओके। तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख ले माइनस एच प्लस, तो सीएल माइनस, ये आपका कंजुगेट बेस हो गया, ओके। फिर आपने कहा एच बी आर ले लेते हैं, क्या होगा, ओके, यहां पे बी आर माइनस कंजुगेट बेस हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और एसिड भी ले लेते हैं, चलिए एच एन ओ थ्री ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो अब इसमें से भी आपको हटाना तो H प्लस है, तो आपने कहा NO3 माइनस, ये आपका कंजुगेट बेस हो गया, फाइन। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर से आपने एक ही हटाना है भाई, कंजुगेट बेस मतलब एक H प्लस का डिफरेंस, ओके। तो यहां पे आपके पास HSO4 माइनस आ जाएगा, SO4 माइनस माइनस मत लिख देना, वो किसका है, ये देखिए HSO4 माइनस, इसमें से जब आप एक H प्लस हटाएंगे तो आपका बनेगा SO4 माइनस माइनस, तो SO4 माइनस माइनस किसका कंजुगेट बेस है, अगर आप H प्लस ऐड कर देंगे इसमें, H प्लस ऐड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका कंजुगेट बेस है, फाइन। तो ये चीजें एक ध्यान रखनी, अब ये क्यों करा रहा हूं ये अभी आगे बताऊंगा। अब यहां पर ये जो आपकी रिएक्शन हुआ करती थी, इसमें हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक और चीज पढ़ी थी, मैं फिर से आपको दिखा दूं। मान लीजिए मैंने कहा HA, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिखाई, H प्लस प्लस A माइनस, फाइन। और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका हाँ रिएक्शन कांस्टेंट कहते थे या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाते था, ओके। तो ये मैंने आपसे कहा KA, याद आया KA, इसे हमने रिएक्शन कांस्टेंट कहा था या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमने इसे कहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है।
बिल्कुल। अब जरा सी अगर हम देखें तो हमने के को डिफाइन कैसे किया था, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए। ये सबको याद होगा। अब यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं कि अगर आपके पास के ए की वैल्यू हायर है, हायर के ए, इसका मतलब आपके पास हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होगा, और अगर आपके पास एच प्लस ज्यादा है तो भाई आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई? ओके, तो मैं यहां से कह सकता हूं हायर के ए मीन्स हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। हायर एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो कितनी आसानी से एच प्लस दे देगा। जो जितनी ज्यादा आसानी से एच प्लस दे वो ज्यादा एसिडिक, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बात समझ में आई? तो सारा का सारा खेल इस एच प्लस का ही है। तो यहां पर हम पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए एक मेन रूल बना सकते हैं। अगर मेन रूल हम देखें तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, और इसको याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्यों मैं आपको कंजुगेट बेस करा रहा था ये अभी बता रहा हूं। हाँ जी, ये जो ए माइनस हमने लिखा था, ए माइनस जो हमने लिखा था, इसकी स्टेबिलिटी, जितना ये स्टेबल होगा उतनी ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में एच प्लस को नहीं खाएगा, तो एच प्लस आपके इजीली रिलीज होंगे। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये एच प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में इक्वेशन चलने लगेगी। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप के ए से भी नहीं, लेकिन के ए दिया नहीं होगा ऑर्गेनिक में, के ए वाली चीज आपको फिजिकल ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते, बिल्कुल क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, बट ऑर्गेनिक में जनरली आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू के ए आप कह सकते हो। हाँ, एक और चीज मिल सकती है, एक और टर्म हमने पढ़ा था पी के, अगर आपको याद हो, एंटी लॉग ऑफ के। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/pKa। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो मैं लिखा दूं, ये आपका माइनस लॉग के था, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंटी लॉग के कहते थे। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो यहीं पे एक पॉइंट और देखते हैं। देखिए है क्या कि हमारे पास जब हम कंजुगेट बेस की बात कर रहे हैं तो कंजुगेट बेस हमारा है क्या, ए माइनस। ए माइनस का मतलब एन आयन, नेगेटिव आयन। ओके, ए माइनस अगर आप कह रहे हैं तो भाई इस पे जैसे हमने वो 6 FX पढ़े थे, प्लस एम, हाँ प्लस एच, प्लस आई, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, ये पढ़े थे। ओके, तो स्टेबल कौन सा इफेक्ट करेगा कंजुगेट बेस को, कंजुगेट बेस को स्टेबल कौन सा इफेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा, जो माइनस वाले इफेक्ट है। ठीक, तो यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट माइनस एच। अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, इफेक्ट नहीं लिख रहा हूं, माइनस आई। ठीक है, और आप चाहें तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं, नेगेटिव आयन स्टेबलाइजेस बाय माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता या पुल करता। माइनस इफेक्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला बताया था ना, पुल करता था, तो जब पुल कर लेगा तो वो जो जो भी आपके पास
ए माइनस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। आया समझ में? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और देखेंगे। बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको के के टर्म्स में मिल सकता है, पी के के टर्म्स में मिल सकता है, और माइनस एम माइनस एच माइनस आई इफेक्ट वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पहली चीज आपको देखनी है, मेन रूल मैंने आपको क्या बताया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंजुगेट बेस कैसे बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है। तो आज के जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे उसमें हम यही चेक करेंगे कि ये कितनी आसानी से, फिर से समझिएगा, ये कितनी आसानी से H प्लस को रिलीज करेगा। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मान लीजिए अभी अभी हमने आपको बताया था HCl, HBr और HI, ये मैंने आपको एसिड दिए हुए हैं और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, हाँ जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए एक हमने कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ लिया, अब तो रट जाना चाहिए। ठीक है, जब भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हो तो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं करना है, उनको साइज से चेक करना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप में Cl, Br, I, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो जब भी आप इसे देखेंगे तो आप इसे किससे चेक करेंगे, साइज से। प्लीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कब चेक करते हैं, जब सारे के सारे एक पीरियड के होते हैं। ये रूल है, ये दो आपको ट्रिक है, रट लेनी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखा रहा हूं आपको। इफ एच इज कनेक्टेड, इफ एच इज कनेक्टेड विद डिफरेंट एलिमेंट्स, विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ अगर ये कनेक्टेड है, देन साइज इज द फैक्टर फॉर कंपैरिजन। ठीक है, और बिल्कुल साइज की कहानी भी बता देते हैं आपको। हायर द साइज मोर द स्टेबिलिटी, हायर द साइज मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आई? यहां पे अगर आप देखेंगे आपके पास कंजुगेट बेस वाला मेथड लेंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये बन गया। अब इसमें क्लोरीन का साइज छोटा और आयोडीन का साइज, मतलब आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा, I माइनस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम साइज, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I के नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम साइज हो गया। ये बात समझ में आ गई? I का साइज सबसे, ये सब क्लियर है? ओके, तो आपने कहा मैक्सिमम साइज यानी वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक, ओके। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मिनिमम कम हो गई, अरे वॉल्यूम बढ़ गया, तब पे चार्ज तो माइनस वन ही है ना, ओके। तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया, ये कंजुगेट बेस का मेथड हो गया। और बाकी आपको ट्रिक जो याद रखनी है वो यहाँ पे चाहो तो ट्रिक लिख लो यार। अब सीधे सीधे देखो कि आपको सेम साइज से कंपेयर करना है। ठीक है, कब, ग्रुप अगर सेम है, अगर सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं जिनके साथ H अटैच है, तो आप बस साइज देखो, जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा एसिड है और उसका कंजुगेट बेस भी उतना ही ज्यादा स्टेबल। एक एग्जांपल और देखिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं H2S और H2O में कौन ज्यादा है, अच्छा पिछले बार हमने ऑर्डर देख लिया था,
ऑर्डर क्या हो जाएगा, एच आई इज मैक्सिमम एसिडिक देन वी आर देन HCl, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है H2S और O। अब देखिए H किसके साथ कनेक्टेड, तो H यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए। अगर ये सेम ग्रुप में है तो भाई साइज देख लो, सल्फर का साइज ज्यादा तो आप यहाँ पे लिख लो साइज बिगर, और अगर साइज बिगर तो मोर एसिडिक। H2S मोर एसिडिक है इन कंपैरिजन टू H2O, है आसान। अच्छा, कोई आपसे पूछे S माइनस और O, HS माइनस और OH माइनस, ऐसे में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये आपका मोर स्टेबल। अब बेटा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपका एच सेम पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो फिर ध्यान रखिएगा वहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करना। पहले एग्जांपल ले लेते हैं फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि CH4 है मेरे पास, फिर चलिए NH3 ले लिया, फिर H2O ले लिया और उसके बाद HF ले लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। अब आपने देखा कि H किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। जैसे ही आपने इनको देखा आपने कहा सर ये तो सबके सब क्या है, सेम पीरियड के, और अगर ये सेम पीरियड के हैं, अगर ये सेम पीरियड के हैं तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा, उसका काम तो आसान कर दिया फ्लोरीन ने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा HF एसिडिक, फिर H2O, उसके बाद अमोनिया, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है इसलिए सबसे कम एसिडिक CH4 होगा। बात समझ में आई, तो यहां पे आप बिल्कुल चाहे तो वो कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिए, इफ H is connected, if H is connected to elements of same period, ठीक है, then higher electronegative element gives More acidic strength। रीजन समझ में आया बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो H+ का रिलीज होना बहुत आसान हो जाएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो आसानी से निकल आएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा बड़ा एग्जांपल है, देखिएगा यहाँ पे CCH3H3, इथेन मैंने ले लिया, सी डबल बॉन्ड CH2H2, एथीन मैंने ले लिया और सी ट्रिपल बॉन्ड CHH, इथाइन मैंने ले लिया, फाइन। अब आपको बताना है कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे, ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये मेरे पास इथेन, एथीन और इथाइन। अब देखिएगा, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पे भाई अगर आप किसी भी एच को देखिए, इस एच को कर लीजिए या इस एच को, कोई एक एच हटाइए, ठीक, यहां पे भी एक एच हटाएंगे, यहां पे भी एक एच, कोई भी एक एच हटा सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर कनेक्टेड तो कार्बन से ही है और दोनों कार्बन है, ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट,
तो अगर आप देखें यहां पे आपके पास कार्बन जो है वो sp3 कार्बन, सेकेंड वाले केस में sp2 कार्बन है और फर्स्ट वाले केस में sp कार्बन। ठीक है, अगर मैं बात करूं परसेंटेज एस कैरेक्टर की, सारी चीजें जितनी पढ़ी थी सब याद आ जाएगी, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे आपके पास 25%, इधर आपके पास 33.3% और इधर आपके पास 50% ट्रिपल बॉन्ड में। ये बात समझ में आई? और जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने कहा हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जितना ज्यादा परसेंटेज एस उतनी ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो 25% यानी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और 50% एस कैरेक्टर मींस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आई? इसको बेटा याद भी रख लेना। यहां पे सी ये जो है सी, ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, सी डबल बॉन्ड सी वाले पे 2.75, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले पे 3.25। अगर आपको याद हो ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूं तो आप बना लेंगे ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक एथाइन, फिर एथीन और सबसे कम इथेन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, नोट कीजिए। तो बेटा अगर यहां पे हम देखें तो हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी दिया हुआ है और अमोनिया में दिया हुआ है। ठीक है, अब अमोनिया में आपको पता है यहां पे एक लोन पेयर भी होगा, कोई उससे कुछ करना नहीं है आपको। अब देखिए एच को देखिए, एच किसके साथ कनेक्टेड है? एच आपका एक तो सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड सी, और एक आपका एन के साथ कनेक्टेड। सबसे पहले आपको ये चेक करना कि भाई मेरा एच किसके साथ कनेक्टेड है, कहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए 3.25 अभी मैंने आपको लिखाया था, वैसे पहले भी लिखा था बट आपको याद होगा, और नाइट्रोजन के लिए 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड सी ज्यादा हो गया नाइट्रोजन से, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल इस अल्काइन में ज्यादा हो जाएगी। फाइन, अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं ROH और यहां पे मैं लिख रहा हूं RSH। अब जरा बता दीजिए ROH और RSH में, अब फिर से देखें H किसके साथ कनेक्टेड है? H कनेक्टेड है O के साथ और H कनेक्टेड है S के साथ, दोनों सेम ग्रुप के। सेम ग्रुप में क्या बताया था आपको? सेम ग्रुप में मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी ऐसा है तो आप साइज को देखेंगे, और साइज ज्यादा है सल्फर का, इसलिए RSH ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? आप चाहें तो बिल्कुल RO- कंजुगेट बेस बनाइए RS-, ये समझ में आया? अब देखिए नेगेटिव चार्ज O पे है और नेगेटिव चार्ज S पे है, S का साइज बड़ा, S का साइज बड़ा तो चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये मोर स्टेबल भी आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? फटाफट नोट करते चलिए, नेक्स्ट देखिएगा एक और इसी पे बेस, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं वाटर और H2S, तो शायद हमने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, हाँ H2O और H2S, यहां पर कौन ज्यादा एसिडिक? तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और आप कहेंगे सर H2S, क्योंकि H जो है वो S के साथ कनेक्टेड है और O के साथ, तो O और S में S का साइज बड़ा, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में जिसका साइज बड़ा वो ज्यादा एसिडिक। क्लियर हो गया? तो अब मेरे ख्याल से ग्रुप और पीरियड वाले क्वेश्चंस आप सारे कर लेंगे। अब बेटा एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस और देखेंगे, और इसमें हम सेम कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एच को चेक करेंगे कि भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे एक एग्जांपल से ही मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कई बार लैंग्वेज से समझ में नहीं आता। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CH3COOH है ना। अब बहुत ध्यान से चलो इसको भी मैं और थोड़ा सा क्लियरिटी से लिख दूं, ये मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ये लो H H H। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना,
मैंने आपको यहाँ पे 3H ये दिखाए रेड कलर से, ये तीनों H जो है वो सेम टाइप के, ठीक है, और एक H मेरा ग्रीन कलर का है, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेड एच या ग्रीन एच में कौन ज्यादा एसिड है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि एच किसके साथ कनेक्टेड, ठीक है। हाँ, अभी आगे और भी पॉइंट्स बनेंगे, बट शुरुआत के लिए कि एच किसके साथ कनेक्टेड है। तो आपने कहा भाई ये जो रेड वाला एच है ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और ग्रीन वाला एच जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे इसको कलर भी कर दूं जिससे आपको ये क्लियरिटी बनी रहे कि भाई ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें दी गई, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दीजिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओ या सी। यहां पर ओ जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो मोर एसिडिक ये ग्रीन वाला जो हुआ, ठीक है। अब ग्रीन वाला आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वो जो ओ के साथ कनेक्टेड है, आपको थोड़ी ग्रीन दिख रहा हो, तो मैंने कलर करके आपको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो CH3COH में जो ये ग्रीन वाला एच है ये मोस्ट एसिडिक होगा, और आज के बाद जब भी आपसे कहा जाए CH3COH के एसिडिक एच को चेक करना है तो आप किसको कंपेयर करेंगे, इसी एच को कंपेयर कर रहे होंगे, अनलेस एंटिल आपसे मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा इस तरह से ना पूछा जाए, बात समझ में आ रही है। मैंने आपसे कहा कि हाँ, अभी और तरीके भी हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक और था कंजुगेट बेस वाला। तो भाई H को हटा के कंजुगेट बेस बना दो, H को हटा के कंजुगेट बेस बना दो, स्टेबिलिटी चेक कर लेना, ये भी एक तरीका है। हाँ, अभी आगे कराऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। अब एक एग्जांपल और आपको दिखा रहा हूं बेटा, मान लीजिए मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो CH2CHCH3। अब इसमें बहुत सारे एच हैं, तो मैं आपको एक एच, तो मैं इसको ए कह देता हूं, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, और दूसरा एच मैं इसको बी कह देता हूं, ठीक है। एक CH3 के साथ लगा हुआ एक एच है, तीन एच है उनमें से कोई एक एच ले लीजिए, और एक CH2 जो डबल बॉन्ड के साथ लगा वाला एच है एक उसको ले लीजिए। अब आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक एच है, ठीक है। देखिए अब तरीका क्या है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा मेथड भी है, इसमें हम भाई दोनों एच कार्बन के साथ कनेक्टेड है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक डबल बॉन्ड वाले के साथ तो कहीं कुछ ऐसी चीज भी दिमाग में आ सकती है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कंजुगेट बेस बनाने वाला, ठीक है। तो हम इसमें दो कंजुगेट बेस बनाएंगे, एक बार हम ए को रिमूव कर रहे हैं, तो ए को जब मैंने रिमूव किया तो देखिए क्या बना, ये मेरे पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहां पे माइनस लिख दूं, H प्लस हटा दिया मैंने, ये कंजुगेट बेस आया। और दूसरा वाला देखिए बी वाले केस में क्या बनेगा, बी वाले केस में अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा CH, माइनस साइन मेरा यहां आएगा, डबल बॉन्ड ये आया, CH इधर आया, CH3 ऐसे आया, ठीक है। अब आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, ए की 1 और ये 2, इनकी स्टेबिलिटी ये पीछे से हम करते चले आ रहे हैं प्रैक्टिस। हाँ, कोई बताएगा मुझे 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल, 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल। भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखे आपने कहा 1-1 है, नंबर ऑफ कार्बन देखे 1-1 है ना। अब आपने कहा सर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो यहां तो आपका हो गया रेजोनेंस, लेकिन यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ए वाला जो है वो लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू बी, ये बात समझ में आई। ये सॉरी उल्टा कर दिया, ए वाला, एक मिनट ये वाला मोर स्टेबल हो गया ना,
हाँ ए बी लिखने में गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मोर स्टेबल हो गया, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो जो मोर स्टेबल है वो, बिल्कुल सही बात आपकी, वो क्या हो गया, एसिडिक भी हो गया, क्लियर है। जो मोर स्टेबल वो मोर एसिडिक, तो आप कहेंगे एच बी इज मोर एसिडिक देन एच ए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बी वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी फिर उल्टा कर दिया मैंने, वो मैंने एक्चुअली ए बी ऑर्डर में लिखते ना, ये ए है और ये बी है, अब ठीक है चेक कर लो, ओके। अच्छा अब देखिए क्या होगा यहां पर ना, इसको एक कॉन्सेप्ट ही बना लेते हैं, बहुत बढ़िया सा है ये। कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड अगर है, ठीक, तो ध्यान रखना कि एच जो है, एच जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन वाले का एच जो है वो मोर एसिडिक होगा। लैंग्वेज में लिखो, चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, पहले फिर लिखा देता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा सी डबल बॉन्ड सी सी सी, ऐसे बहुत सारे सी हैं, ठीक, तो इनमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा कार्बन मोस्ट एसिडिक होगा, जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बने, और वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आना है एच प्लस निकलने पे, तो ये जो जगह बेटा, ठीक है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो वो कंजुगेशन में आ जाएगा पाई बॉन्ड के साथ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपका मोस्ट एसिडिक होगा। तो इस पे आप चाहें तो एक रूल ट्रिक जो भी आप करना चाहें, हाँ जी लिखिएगा, इन अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है, इन अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड सी इज मोर एसिडिक, ठीक है, हाँ, किसी और कार्बन के कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब ये ध्यान रख लेना इसका, ठीक। अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ओके कुछ इस तरह से बना दे, अच्छा जी यहाँ पे एक एच और दो एच होंगे, यहाँ पे एक एच है, फाइन। तो अभी आपको कंपेयर करना, इसे मैं ए वाला एच कह दे रहा हूं, इसको मैं बी एच कह दे रहा हूं, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है, देखिएगा देखिएगा क्या होगा। कंजुगेट बेस मेथड बनाए, कंजुगेट बेस, ओके, ये तो कुछ अजब सा बन गया, बेटा अगर हम कंजुगेट बेस बनाए, एक बार हमने बी वाले एच को रिमूव किया और दूसरी बार हमने बी वाले एच को रिमूव किया और हमने ये बनाया, ठीक है। अब आपके पास ये हमारे कंजुगेट बेस हैं, इनमें से अगर आप देखें स्टेबिलिटी की, कौन ज्यादा स्टेबल, बेटा इसको देखिए, यहाँ पे आपके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका एरोमेटिक, ठीक है, तो ये स्टेबल, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, चेक कर लो, नॉन एरोमेटिक। तो जितनी चीजें हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, कोई भी चीज यूज हो सकती है, आपको स्टेबिलिटी को चेक करना और सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कहीं जगह आपकी ट्रिक लग जाएगी। आप इसको देखते तो आप बड़ी इजीली कह सकते थे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्लस और सॉरी माइनस चार्ज आ रहा है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे है पाई बॉन्ड के साथ,
बट उसमें जो है जैसे हमने वहाँ एक पढ़ा था ना कंजुगेट डाइईन वाली, तो वो वाली चीजें भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी कि कहीं पे क्रॉस हो रहा है या कंजुगेट है या क्यूमुलेटिव है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी बन रहा है वो स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एच ए है दैट इज मोर एसिडिक देन एच बी। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, दो को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे तो मैं एक ही कंपाउंड पे करा रहा हूँ, लेकिन दो कंपाउंड को कंपेयर करना होता है, उसमें वो ये नहीं बताता कि किस एच को कंपेयर करना है। तो वहां पे आपको मोस्ट एसिडिक को ही कंपेयर करना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ओके, ये बनाया। चलिए एच दिखाएं आपको, यहाँ पे आपके पास 2H है, यहाँ पे आपके पास 2H है और एक H आपके पास यहाँ पे है। क्लियर, अब मैं इनको नेमिंग दे रहा हूँ। देखिए, इसको मैं कह रहा हूँ A, इसको मैं कह रहा हूँ B और इसको कह रहा हूँ C। आपको बताना है इनमें से ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी हाइड्रोजन जो है इनका। अब बेटा ये आपके पास है, यहां पे आपको तीन हाइड्रोजन दिए गए हैं, ए बी सी नेमिंग की गई है इनकी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है या एसिडिक ऑर्डर किस। हाँ जी, एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है कि जो आप ये बी को देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन को मैं आपको दिखा दूं, ये रेड कलर का कार्बन, मैंने डबल बॉन्ड कार्बन दिखाया, इसके साथ ये कार्बन है और इसके साथ ये एच अटैच है। तो आपको पता है कि बी मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो पहला नंबर तो हमें मिल चुका है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। अब बात आई कि भाई हमारा जो ये सी है और ये ए है, अब अगर आप इसे देखें तो सी और ए, मैं एक को रेड कार्बन दिखा रखा है, एक को ग्रीन कार्बन। ठीक, अगर आप ग्रीन वाले कार्बन को देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और रेड वाले को अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, डबल बॉन्ड है यहां पे। ये बात समझ में आई? तो आपने क्लियरली कहा कि भाई ये जो है ये मोर एसिडिक देन ए, तो आपका ऑर्डर हो गया बी सी एंड ए। चेक करो जरा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक बी, उसके बाद सी। सी क्यों? क्योंकि वो sp2 कार्बन के साथ अटैच है और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये भी बड़ा बढ़िया सा है। मान लीजिए मैंने लिया एथीन, सी डबल बॉन्ड CH2। ओके, एथीन ले लिया मैंने, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH3, प्रोपीन ले लेते हैं। चलिए, एथीन और प्रोपीन में बिल्कुल आप बताएंगे कि कौन सा H, इसमें तो कोई भी एक H ले लीजिए। ठीक है, और इसमें आपको H लेना है लास्ट वाला। तो इन दोनों में, अब दो अलग अलग कंपाउंड दे दिए, अभी तक एक कंपाउंड में ही मैं आपको चेक करा रहा था, दो अलग अलग कंपाउंड में, और एच मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए जरा। तो जिस एच को आपको रिमूव करना है, उस एक एच को रिमूव कर दीजिए और आप क्या बनाएंगे यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH-, ये आपका कंजुगेट बेस बन गया। तो कंजुगेट बेस बना लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पे माइनस बना रहे। बात समझ में आई? और अब आपसे पूछा गया कि कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, तो आपने कहा सर इस केस में तो रेजोनेंस हो रहा है। कैसे पता? वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो आपने कहा सर एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपीन की एथीन से ज्यादा, कौन से वाले एच, ये आपको बताती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं चलिए CH3OH, C2H5OH, फिर हमने लिया CHOH, यहाँ पे लिखा दिया CH3CH3, और एक हमने ले लिया CCH3CH3CH3OH, ओके, ठीक है। अब इनको हम ABCD लिख देते हैं, E, और ये जो रिजल्ट आएगा ये याद कर लेना, ये आगे बहुत हेल्प करेगा, ओके। हाँ भाई, अब एच की जब बात होगी तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था किस एच की बात हो रही है, ये जो ओ के साथ अटैच है यही एसिडिक होगा, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। तो अब इन चारों के इसी एच को हमें कंपेयर करना है, तो जब आपसे पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसी एच को देखना, बाकी सी एच थ्री वाले या सी टू एच फाइव वाले को मत चेक करना अनलेस एंटिल आपसे कहा ना जाए। तो अब आपने कहा सर हमने तो कंजुगेट बेस बनाने हैं, तो कंजुगेट बेस बनाते हैं, जल्दी से बनाइए देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आप कहेंगे CH3O-, यहाँ पे आप कहेंगे C2H5O-, यहाँ पे आप कहेंगे CH3CH3O-, और यहाँ पे आप कहेंगे CH3CH3CH3O-, ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई रेजोनेंस टाइप की तो कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन एक चीज है यहां पर आप देखिए CH3, ये जो एल्काइल ग्रुप था इसका एक इफेक्ट मैंने आपको कराया, कौन सा इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट क्या करता था, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता, याद आया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, प्लस का मतलब ये पुश करेगा, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा ग्रुप, जितना बल्की ग्रुप उतना ज्यादा पुश करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन पुश करेगा, बिल्कुल सही बात, लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसका प्लस आई मैक्सिमम होगा, प्लस आई मैक्सिमम होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको, प्लस आई मैक्सिमम होने का मतलब ये क्या करेगा, इसका प्लस आई मिनिमम होगा, ठीक है, ध्यान से समझो। अच्छा, प्लस आई मैक्सिमम मतलब ओ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी, अगर ये इंक्रीज हो रही होगी तो एच को छोड़ेगा थोड़ी, एच को छोड़ने में जान लगानी पड़ जाएगी, तो सबसे आसानी से कौन एच छूटेगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओ पे कम आ रही हो, समझ में आ गया, ठीक। तो ये आपका CH3OH मोस्ट एसिडिक, ठीक है, और यहां पर मिनिमम एसिडिक या लीस्ट एसिडिक जैसे भी आप लिखना चाहें, मिनिमम एसिडिक या लीस्ट एसिडिक, ये बात समझ में आई बेटा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको रट लेना, बिल्कुल मैं आपको ऐसे लिखा देता हूं, देखिए होता क्या है, CH3OH इसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक, ये आपका CH3OH मोस्ट एसिडिक, एसिडिक ऑर्डर इस वे में होता है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, हर समय कंजुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप डायरेक्टली चेक करेंगे, कंजुगेट बेस वाला मेथड तो है ही, वो तो सपोर्ट के लिए है ही आपके पास, ठीक है, यस यस यस। तो अब ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आपको दिया हुआ है, जैसे ओ माइनस यहां पर आ रहा है, उसके साथ अगर प्लस आई वाले कनेक्ट हो गए, प्लस आई क्या, प्लस ग्रुप कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, और माइनस वाला हो गया तो आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एल्कोहल और वाटर, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
अब आप सबको पता है कि आर का इफेक्ट जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब आर अपने से इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा होगा ओ की ओर। इसका मतलब ओ पे आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आर से इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी ओर आ गए। तो ये जो एच है ये टाइटली कनेक्टेड होगा विद ओ इन कंपेरिजन टू एच ओ एच। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि HOH, H2O, जो भी कहना चाहे, वाटर का जो H है ये इजिली रिलीज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ROH। ये याद रखना है आगे भी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और भी देख सकते हैं। देखिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ओके ये दिया हुआ है, ये लीजिए OH और यहां पे HOH, H2O वाटर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से भाई, आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। हाँ, मैं चाहूंगा आप कंजुगेट बेस से कीजिए, कंजुगेट बेस मेथड से कीजिए। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इस एच को रिलीज करेंगे यहां पे आपके पास माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और ये माइनस चार्ज आप देख रहे हैं किसके साथ है, कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, ठीक। तो ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा ये मोर स्टेबल है तो ये आपका मोर एसिडिक भी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू H2O। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो OH माइनस के कंपैरिजन में आपका C6H5O माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे ये याद कर लीजिए, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। हाँ जी, ये फिनॉल था, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर से हम ये फिनॉल यहीं बना लेते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको फिनॉल और एसिटिक एसिड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि भाई इनकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, ठीक। तो अब क्लियर है कि आप इस एच को कंपेयर करेंगे और इस एच को कंपेयर करेंगे जो ओ के साथ अटैच है। चलिए तो कंपेयर करना शुरू करते हैं। आपने कहा सर हमने कंजुगेट बेस बनाया, बना लीजिए कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जब आपका बना तो इसको हम, चलिए यहाँ कॉपी है मेरे पास, इसको हम ऐसे कंजुगेट बेस हमने बना लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, फाइन। अब कई बार इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि भाई O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज है और वो रेजोनेंस में है, दोनों ही जगह रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ही जगह रेजोनेंस हो रहा है, ठीक। अब जब ये रेजोनेंस होगा तो देखिएगा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां कहां पे जाएगा, एक ये इधर जाएगा डेल माइनस, एक ये डेल माइनस जाएगा, एक ये डेल माइनस जाएगा, ये समझ में आ रहा है। और ये जो CH3CO माइनस एसिटेट आयन वाला है ये इस तरह से जाएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को देखेंगे। हाँ, मेरी बात समझिएगा, जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखिए O माइनस से चार्ज अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या आप कह सकते हैं डिस्पर्स हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक तो ऑक्सीजन है और थ्री कार्बन पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, ओके, ठीक है। यहां पे आपके पास दो ऑक्सीजन, तो कई बार दिमाग में आता है कि सर यहां तो ज्यादा जगह हो रहा है, लेकिन हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो चार्ज यहां पर दो ऑक्सीजन में डिस्पर्स हो रहा है जबकि यहां पे एक ऑक्सीजन में आ रहा है, ठीक। तो ये मोर स्टेबल, इसको याद रखना। फिर से एक बार समझेंगे, मैंने आपसे कहा कि आपको क्या चेक करना है कि जो आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें वो एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है या तीन ऑक्सीजन, इस तरह से चेक करें, ठीक है। कितने एटम्स पे चार्ज आपका डिस्पर्स हो रहा है, जितने ज्यादा एटम पे चार्ज डिस्पर्स होगा एक तो ये, बट उसमें भी सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में जितने ज्यादा एटम पे हो रहा होगा। तो ऑक्सीजन पे सेकंड वाले केस में
या एसिटिक एसिड के केस में चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो एसिटिक एसिड वाला जो कंजुगेट बेस बना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मोर एसिडिक कौन आएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, ये नहीं कि आपने कहा सर रेजोनेंस हो रहा है खट से, उसको स्टेबल बता दिया। रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, लेकिन आप हर जगह रेजोनेंस स्टेबल होगा ये जरूरी नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नोट कीजिए। अब देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो यहां पे हमारे पास CH3COOH हमें दिया हुआ है और CH3SO3H दिया हुआ है। इसमें भी अगर आप कंजुगेट बेस बनाएंगे तो आप कहेंगे CH3, ओके ये लिख लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये हमारा कंजुगेट बेस बना, और इसका कंजुगेट बेस अगर आप देखेंगे तो एस डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ माइनस बना। ठीक है, तो कंजुगेट बेस आपने बना लिए, अब आप देखेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे आप कहेंगे ये ओ माइनस इसके साथ रेजोनेंस पे है, ये ओ माइनस इन दोनों के साथ रेजोनेंस पे है, ऑब्वियसली ये आपके एक ही के साथ रहेगा, या तो इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, एक टाइम पे एक ही के साथ कर रहा होगा रेजोनेंस, बिल्कुल सही बात है। अब आपको चेक क्या करना है, आपने यहां पे देखा कि नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज डिस्पर्ड ऑन 3 oxygen atom, और यहां पे जो ये आपका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है 2 oxygen atom पे, बात समझ में आई? नेगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स हो रहा है वो 2 oxygen atom पे, यहाँ पे 3 oxygen atom पे बटेगा, तो जब आप चार्ज देंगे ना इसके हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा माइनस ऐसे आएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, तो जितनी ज्यादा जगह और सेम एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जिसपे आएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इस केस में हमारे पास CH3SO3H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू CH3COOH की। ये समझ में आया?